हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधुबाला स्वामी, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा भी बुखार अब ठीक हो गया गाइस। यहाँ सब्जी बना रही हूँ मैं तो सरसों के तेल में राई जीरा डाल के, और प्याज डाले, हरी मिर्ची डाली और टमाटर डाल दिए गाइस, और मटर डाल दिए मैंने। और गाइस इसकी जो है आवाज़ को मैं म्यूट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसमें जो स्वामी जी जहाँ पर जाकर आए थे ना, वो भी मैं पीछे ऐड कर रही हूँ, तो वो मैं आपको ओरिजिनल आवाज़ सुनाना चाहती हूँ। इसलिए जो है मैं ये वाली आवाज़ म्यूट नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे करना ही नहीं आता है। और बस यहाँ पर मैंने मूली के पत्ते और मूली काट के डाली है। आप इसमें आलू भी डाल सकते हो, और बस उसको ढक के और मैं पका रही हूँ। फिर इतनी देर में मैंने बथुआ और पालक दिन में ही साफ़ कर लिया था, तो बस बथुए को काट रही हूँ मैं। तो ये जाली है हमारे, तो बस इसी जाली पे काट रही हूँ। तो धो लूँगी इसको अच्छे से, एक बार मैं धो चुकी हूँ, और काटने के बाद भी थोड़ा सा और धो लूँगी, क्योंकि मन नहीं मानता गाइस। ये हरी पत्तेदार सब्जियों में मिट्टी बहुत आती है, तो 5-6 पानी से इनको अच्छे से वॉश करना चाहिए, नहीं तो पथरी होने की संभावना रहती है गाइस। और बस धो के और बथुए के बना रही हूँ मैं पराठे आज मेरे को क्या हो रहा है, बहुत गलती कर रही हूँ मैं बोलने में। इसके जो है मैं बना रही हूँ पकौड़ी, और आप इसमें प्याज और हरी मिर्ची काट के बारीक वो भी डाल सकते हो, बट जो है मैं दो ही हरी मिर्ची डाल रही हूँ, आप ज़्यादा डाल सकते हो, क्योंकि ये बथुए के पकोड़े बच्चे भी खाएंगे और स्वामी जी भी खाएंगे। और आज मैं बच्चों के साथ चीटिंग करूँगी, स्वामी जी के साथ भी, कि शर्त लगाऊंगी कि बताइए ये काय के जो है पकोड़े हैं। और पकोड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मैं कम खाती हूँ तली हुई चीज़ें। और बच्चे और वो पता नहीं लगा पाए थे भाई ये काय की है, वो सोच रहे थे पालक की पकौड़ी है, बट ये बथुए की थी। कई बार ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ गाइस। और यहाँ ये हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, और लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी डाल दूँगी इसके अंदर जो मैंने बना रखी है, और बस सूखी इसको बनाऊँगी। और आप लास्ट में गाइज इसमें थोड़ा सा बेसन भी भुरक दीजिएगा, क्योंकि बेसन भुरकने से भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बट मैं बेसन नहीं डालूँगी, क्योंकि स्वामी जी को बेसन पसंद नहीं है इस वजह से। और आप इसमें आलू भी जो है काट के डाल सकते हो। और आज ये सब्जी मेरा छोटा वाला बेटा नहीं खाएगा, उसको ही आलू पसंद है, तो मैंने आलू इसमें नहीं डाले, क्योंकि उनके लिए सुबह की जो पत्ता गोभी की सब्ज़ी थी वो रखी है, तो वो उससे खाएंगे खाना, और दो सब्जियाँ हो जाएगी। और रात का डिनर यही है, गुड़ दे दूँगी, दूध दे दूँगी, दो सब्जियाँ हो जाएगी, सैलेड हो जाएगा बस, और पकौड़े हो जाएंगे। तो बस तेल मैंने चढ़ा दिया है पतली वाली कढ़ाई में, वही मेरी जली हुई फेवरेट कढ़ाई में। इस कढ़ाई को देख के स्वामी जी बहुत ज़्यादा डांटते हैं मुझे, और बोलते हैं इतनी सारी तेरे पास ग्रेनाइट की जो है कढ़ाइयाँ हैं, पेन हैं, तू वो क्यों नहीं काम में लेती है, मतलब नॉन स्टिक के बर्तन हैं, और वो नॉन स्टिक के नहीं है, और उस पर प्लेट है, 4-5 जो लेयर होती है वो है, बट मैं वो काम में नहीं लेती हूँ। और बस बथुए पे मैंने बेसन डाल दिया, और लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी डाल दी, और अब इसमें हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल रही हूँ मैं, और आप इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो, प्याज आलू जो भी आप सब्जियां डालना चाहो वो डाल सकते हो, जो आपके बच्चों को पसंद हो, बट मैं सिंपल ही बना रही हूँ। और यहाँ पर मैंने डाली है सौंफ, आप जीरा और अजवाइन भी इसके साथ जो है डाल सकते हो। बस पानी डालती जाऊँगी और इसको अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी, मैं हाथों की सहायता से बनाती हूँ गाइस, ये हैबिट पड़ी हुई है मेरी, विक्स की सहायता से मुझसे नहीं बनता। और बस और गीला लगेगा तो थोड़ा सा जो है इसमें बेसन और मिलाती जाऊँगी बीच बीच में। और ये कुरकुरी खानी है अगर आपको, तो तुरंत जब इसमें आप बथुआ ऐड करो तभी इसको तलने लग जाना गाइस पकौड़ी को, तो बिल्कुल ही कुरकुरी कुरकुरी बनेगी। और अगर और कुरकुरी चाहिए तो इसमें सूजी मिला दीजिए थोड़ी सी, तो और ज़्यादा कुरकुरी बनेगी, बट आप अगर इसका घोल बना के और बथुआ मिला के रख दोगे तो फिर इतना टेस्ट नहीं आएगा पकौड़ी में, पकौड़ी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। और ऐसी पकौड़ी सॉफ्ट वाली तो मैं पापा जी के लिए बनाती हूँ, तो मैं तो तुरंत यहाँ पर घोल के और बस अभी जो है बना लूँगी, मैं पकौड़ी खा लूँगी, और स्वामी जी के लिए फिर बाद में और बनाऊँगी, ये तो ओनली बच्चों के और मेरे लिए है, और स्वामी जी जब आ जाएंगे तब उनके लिए तुरंत घोल बना लूँगी, क्योंकि बथुआ धो के और मैंने रख लिया है काट के। और बस फिर यहाँ मैं थोड़ी बड़ी बड़ी बना रही हूँ, क्योंकि स्वामी जी बहुत छोटी छोटी सी खाते हैं, बारीक बारीक सी भुजिया टाइप में, तो तब मैं वो दूसरा घान बनाऊँगी जब वो आएँगे तब, गर्म गर्म। और अभी मैं मेरे और बच्चों के लिए बना रही हूँ,
और आप इसको कैसी भी चटनी, लहसुन, हरे धनिए की और किसी भी तरीके की चटनी के साथ आप इसको खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी लगती है, बच्चों को आप सॉस से दे सकते हो और चाय से भी आप इसको खा सकते हो। सॉरी गाइज, ये थोड़ी अभी ब्लैक स्क्रीन आई थी, और बस उलट पुलट के इसको अच्छे से जो है चला लेंगे, और करारी करारी मीडियम फ्लेम पे करना गाइज, नहीं तो ये पकौड़ियाँ अंदर से कच्ची रह जाएगी। और बाथरूम में से नहाने की आवाज़ आ रही है पानी की गाइज, सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, मैं एडिटिंग कर रही हूँ अभी। दिन के 3 बज रहे हैं और यहाँ पर ये पकौड़ियाँ बनाती जा रही हूँ मैं। और जो है गाइज, मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर सपोर्ट कीजिएगा गाइज, डिस्टरबेंस के लिए सॉरी गाइज। बच्चे थे यहाँ पर हॉल में, तो बस उसी वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस, आवाज़ चली गई। तो बस ये यहाँ पर लहसुन की चटनी और हरे धनिए की चटनी के साथ हमने ले लिया है, बच्चे जो है टमाटो सॉस के साथ खाएंगे। तो बस गर्मा गर्म चाय के साथ भी आप खा सकते हो, तो आ जाइए, बथुए के पकोड़े खाइए और बनाइए, खाइए, खिलाइए गाइज। जो है आप दिल जीत सकते हो किसी से भी, अच्छी अच्छी चीज़ें बना बना के, खिला खिला के। और अभी सर्दी का टाइम है और हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ये क्रीम के साथ। पहले मत तक दीजिए भाई, ये सब क्या क्या मुझे चला ना। अरे किन्हें वहाँ आर भी गई, अगर हो जाना तो ये भी देख लेंगे महाराज नहीं ना, थोड़ी सी और नीचे कर दे। हाँ ये बाबा
तो गाइज ये है दादू मंदिर अहमदाबाद का कांकरिया तालाब। ये हमारे दादू जी महाराज की जन्मस्थली है, यहीं पे उनका उद्भव हुआ था, मतलब उनका जन्म स्थान यहीं से। और ये आरती है और हम दादूपंथी हैं, जैसा कि आप सभी जानते हो। ये नाना जी और मम्मी जी खड़े थे, ये मेरे ससुर जी हैं, ये जिया जी हैं और ये मम्मी हैं और बीच में नाना जी खड़े हैं। यहाँ पर हमने खाना करा था, दाल बाटी चूरमा और पुलाव की रसोई दी थी स्वामी जी ने। तो वही है, ये मंदिर है दादू मंदिर, ये सभी जेंट्स हैं। यहाँ मेरी बहन की सासू जी खड़ी हुए हैं दोनों, और ये मेरे नाना जी और स्वामी जी हैं। यहाँ जिया जी और स्वामी जी हैं, ये ससुर जी और जिया जी हैं। तो चलिए गाइज मिलेंगे अगले ब्लॉग में। ये रिक्वेस्टेड ब्लॉग था, आपके कहने पे मैंने एक क्लिप जोड़ी है। बाय बाय।